क्योंकि दो साल की गवाह सिर्फ वही रही थी। उन्होंने तुनक से उस खामोशी को तोड़ा और बोली, मैं जा रही हूं, हमें कुछ नहीं सूझा। हमने भी कहा ठीक है जाओ। उसने झटका मारा किया, सीढ़ियां उतरी, गोलचा के लाल लाल मुलायम मुलायम कालीन से होती हुई बाहर निकल गई। बाहर पहुंची मेन रोड पर, कूचड़वा रिक्शे वाले को बोला, रिक्शे पर बैठी और सर्दियों की धूप में कुछ ही देर में वो गई 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 और गायब हो गई। बिना पैसे तय किए रिक्शे पर बैठी थी, पता नहीं कितने पैसे ले लिए होंगे रिक्शे वाले ने। पुरानी दिल्ली के रिक्शे वाले जो हैं ऐसे ही हैं, उनका बाप भी अगर बिना तय किए बैठ जाए ना रिक्शे पे तो औने पौने रेट मांग लेते हैं भाई। यहाँ से फतेहपुरी के 10 रुपए लगेंगे, आज भी बोल देते हैं 150 दे दो भैया। खैर खतरियों की लड़की थी, क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो सुधीर भाई हम जिठीजियों के बेटों को ही हमेशा से। खैर पीछे से बहन की आवाज आई धीरे से, भाई फिल्म तो देख ले, इंटरवल खत्म हो गया। मैं बहन के साथ चुपचाप बालकनी की तरफ चला गया। मैंने रुककर बोला उससे, वैसे तू भी सही इंग्लिश बोलती है आजकल, पता ही नहीं चला यार कब तू घर पे सीख गई इंग्लिश है। गुड यार, वेरी गुड। मैंने उससे रुककर बोला, उसकी आंखें भर आईं। वो बोली, सॉरी भाई मुझे सही ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए था यार। मैंने क्यों कह दिया उसको। और मैंने रुककर बोला, नहीं भाई बावली वाली बात मत कर बिल्कुल। कभी जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना गलत कम्युनिकेट करियो ना ही गलत ट्रांसलेट करियो, ये असूल बना ले और याद रखियो भाई की बात। और रही बात इस बात की सेटिंग होती है नहीं होती, जब अगली काम आप सब अच्छा है, जिंदगी भी बहुत अच्छी है, प्रोसेस भी बहुत अच्छी है, जब फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया गलती से, आईफा भी मिल गया सुधीर भाई, और मेरे को तो स्क्रीन अवार्ड भी मिलते मिलते रह गया ये सारी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है। पर एक बात का गला, एक शिकवा, एक तकलीफ, एक तंज आज भी है कि चड्डा साहब अगर आपने आइसक्रीम उस दिन खिला ही दी होती तो क्या चला जाता। कम से कम आजकल के अंकलों की तरह हम भी, अभी हाल ही में एक रोज बाइक से निकलता था, उसको रोक लिया, हाँ भाई क्या दिखता रहता ऊपर खिड़की बैल्कनी में है तू चाटा, तेरे को बुलाऊं तेरे पापा को। उसने कहा रिलैक्स अंकल, ओके। ऊपर से लड़की ने भी बोला, या इट्स ओके अंकल, ही इज माय फ्रेंड। We'll be right back.